हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन आज मैं आपके साथ लॉरियल इनफेलेबल कंसीलर फुल कवरेज कंसीलर उसका रिव्यू शेयर करूँगी मैं रिव्यू के साथ साथ आपको डेमो भी इसका दूंगी ये मैंने आपने अगर मेरा नायका हॉल देखा है तो मैंने नायका से ये ऑर्डर किया था और सेल चल रही थी पिंक फ्राइडे सेल उससे मैंने ये मंगवाया था तो ये है लियल इनफेलेबल कंसीलर फुल कवरेज कंसीलर ये जो मेरा आज फुल बेस मेकअप जो है ये टोटली मैंने इसी के साथ किया है बस यही यूज़ किया कोई फाउंडेशन वगैरह कोई बीबी क्रीम कुछ नहीं अप्लाई किया है आप देख सकते हैं और मुझे अप्रॉक्सीमेटली वन एंड हाफ आवर हो चुका है ये है इसमें आपको ये इसका प्राइस है एट सेवेंटी फाइव रुपीज और मेरा जो इसमें शेड है वो है थ्री वन सेवन एलिमेंट इसमें मेंशन है थ्री वन सेवन एलिमेंट है और इसमें आपको जो क्वांटिटी भी मिलती है वो मिलती है टेन एम की ये काफी ब्रॉड है और इसका ये देखिए ये है इसका वॉन्ट देखिए कितना ब्रॉड और ये आगे से प्रॉपर स्लांट है ताकि जब आपने अंडर आई पे अप्लाई करना है तो ये प्रॉपर एज इट इज लग जाए ये देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट है मैं आपको एक आ, मेरे पास और भी है कंसीलर जैसे आप देखते हैं आ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर है मैं आपको वो दिखाती हूँ उसका जो बॉन्ड है वो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिक होता है ठीक है ये मेरे पास ये इन दोनों पॉइंट्स में फर्क है आपके सामने ही है ठीक है मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखाती हूँ ये बहुत ही बहुत ही थोड़ा लगता है कम लगता है क्वांटिटी में और बहुत जल्दी ये आपके डार्क सर्कल्स को हाइड कर देता है इसमें आपको टोटल तीन शेड्स मिलते हैं टू वन टू टू वन फोर थ्री हंड्रेड फोर्टीन एंड थ्री वन सेवन थ्री वन टू बहुत लाइट है थ्री वन फोर मेरे पास पहले था हम उसको मैं उसको एज अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती थी लेकिन अब वो मेरा फिनिश हो चुका है अब मैंने ये मंगवाया है थ्री वन सेवन ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट स्किन टोन के साथ है अगर डार्क सर्कल्स हल्के हल्के से भी हैं तो वो सब बिल्कुल हाइड हो चुके हैं ये देखिए और ये देखिए मैंने बिल्कुल कवरेज इसकी बिल्कुल विद इन सेकेंड ये एब्जॉर्ब हो चुका है मैंने इसका फुल डेमो भी किया है मैंने इसको अप्लाई करके दिखाया है तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ प्लीज़ वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया है ये है नायका का ये है सिलिकॉन बेस प्राइमर तो इस इसका मैंने लेके इसको मैंने अपने अंडर आइज़ पे और अपने पूरे फेस पे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है समर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और ये सिलिकॉन बेस है इसीलिए ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये आपके मेरे पोर्स को ये ब्लर कर रहा है अब मैंने लॉरियल का इन्फ़ेलेबल कंसीलर लिया है इसको मैंने अपने अंडर आई और अपने फेस पे इसी के साथ ही इसी को ही अप्लाई किया है अपने फेस पे अपने फोर हेड पे अपने नैक पे, नोज़ पे, ईच एंड एवरी वेयर मैंने इसी को ही अप्लाई किया है अगर आपको थोड़ा सा कम लगे वैसे तो इस बहुत ही अमाउंट इतना बढ़िया है कि इसका थोड़ी सी अमाउंट ही बहुत अच्छी है और मैंने इसका कप्स एंड लैशेस का पहले अंडर मतलब क्री सॉरी अंडर आईज पे उसको उसके साथ ब्रश के साथ इसको अप्लाई किया है ब्लेंड किया है अच्छी तरह से और फिर मैंने जो कफ्स एंड लैशेस का स्टिपलिंग ब्रश है उसके साथ एक साइड पे मैंने इसको ब्रश के साथ अप्लाई किया है मैं आपको ब्रश और स्पॉन्ज दोनों के साथ ब्यूटी ब्लेंडर दोनों के साथ मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी ये देखिए ये है ब्रश के साथ इसकी फिनिश अब मैं दूसरी तरफ आपको ब्यूटी ब्लेंडर वेट ब्यूटी ब्लेंडर है वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ इसको ब्लेंड करूँगी दोनों से ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड होता है चाहे ब्रश हो और चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो ये है कि थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से इतनी कवरेज नहीं आती बट मुझे इसमें दोनों तरफ अच्छी ही कवरेज मिली है आप देखिए अब मैं इसको एक सेटिंग पाउडर से इसको अच्छी तरह से अपने अंडर आई एरिया को अब ऊपर देखते हुए अच्छी तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी और अपने पूरे फेस को भी कर लूँगी अगर समर्स हों तो आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं आपने मेरा रिव्यू देख लिया आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो भी मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको ये कैसा लगा अगर आपने इससे ऑर्डर किया तो यूज़ किया तो भी मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ओके बाय